सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने CUET PG का जो है फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। 5 तारीख तक इसका लास्ट डेट था, 5 मई तक। और इसका करेक्शन विंडो, अगर कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप लोगों ने करेक्शन कर लिया होगा। मैंने एक वीडियो बना रखा था पहले भी कि अगर आपका कोई गलती होता है या फिर कुछ फॉर्म में मिस्टेक्स होती है या फिर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो 5 तारीख तक डेट है, वो फिल कर देना सारे लोग। तो अपने इनसे तो सारे लोग कंप्लीट हो गए होंगे फॉर्म फिल करके। ये सब जो टेंशन होती है फॉर्म फिल करना, करेक्शन का देखना, ये सब कंप्लीट हो चुका होगा आई होप। और अब आपका एग्जामिनेशंस का बाकी है कि अब एग्जामिनेशंस का टेंशन है कि कब जो है इसका एग्ज़ाम होगा, कैसे इसका एग्ज़ाम देना है हमें, फिर किस तरीके से जाएगा। बहुत पैनिक वाली सिचुएशन है इस टाइम पे, क्योंकि अभी अभी से अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 1 मंथ्स का टाइम बाकी है। अभी भी 5 तारीख से 12 तारीख के बीच में एग्जामिनेशंस होना है। किस दिन हमारा MCA का एग्ज़ाम होगा अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस वीक या नेक्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिन, कौन सा डेट को जो हमारा एग्जामिनेशंस है और कौन से शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशंस है। एडमिट कार्ड वगैरह सारा आ जाएगा आपके पास। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो CUET का काम है, उनको काम करने दीजिए। आपका जो काम है अभी पढ़ाई करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने पर फोकस कीजिए। और 1 मंथ बाकी है तो लगभग लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस भी कंप्लीट होने के कगार पे होगा, कुछ का बाकी होगा, कुछ ने अभी स्टार्ट ही किया होगा जस्ट। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे तो जिनका कंप्लीट हो गया उनके लिए तो बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है। बस आप स्टार्ट करो रिवीजन करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितना हो सके रिवाइज करो चीज़ों को जो पहले से आपने पढ़ रखा है। तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा एग्ज़ाम में, ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा। और सिलेबस पे भी हमने पहले डिस्कस किया है कि डोमेन सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आएंगे, फिर 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस से आने वाले हैं, GK हो गया, फिर आपका इंग्लिश वगैरह हो गया, ये सब जो 25 क्वेश्चन है उससे आने वाले हैं। फिर जो डोमेन सब्जेक्ट्स होता है डोमेन, 75 क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग से कवर किए जाएंगे। तो जो हमारे टेस्ट सीरीज आप जो भी फॉलो कर रहे हो, जिस भी किसी का भी आप फॉलो कर रहे हो टेस्ट सीरीज, तो देख लेना कि डोमेन सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन अलग हो और 25 जो क्वेश्चन आते हैं उसका अलग हो, ताकि आप एग्जाम एग्जामिनेशंस के इन्वायरमेंट में ढल सको। तो उसी हिसाब से आप अपना टेस्ट सीरीज भी जो है देना एग्जामिनेशंस में। और अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज देना। अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप टेस्ट सीरीज दो, उसको एनालिसिस करो। एक टेस्ट सीरीज, एक मॉक टेस्ट तो आप डेली लगाओ ही लगाओ, उसको फिर एनालिसिस करो। 2 से 3 घंटे आप समय दो उस पर और फिर एनालिसिस करो कहाँ पर गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे मार्क्स कैसे कम आ रहे हैं, या फिर कौन से टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे उससे भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे तो कैसे हो रहे। तो उस फॉर्मूलाज को रिवाइज करो बार बार, टॉपिक्स को रिवाइज करो बार बार। और इसीलिए टेस्ट सीरीज आपको बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है और आप अभी कहाँ पे लाइक कर रहे हो। और उस सुधारने का मौका, मतलब आप एग्जामिनेशंस में जब डायरेक्ट जा करके बैठोगे तो वहाँ पे गलती जब होगा तो आप सुधार नहीं सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज को आप डेली एग्ज़ाम के बेसिस पे लो। कि जब भी आप 2 घंटे का टेस्ट सीरीज देने बैठते हो तो सोचो कि आज ही मेरा एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम से जो है एक्सपीरियंस लेकर के बार बार डेली दो और फिर पता करो कि क्या क्या कहाँ गलती होता है, तो बाद में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में सुधार सकते हो। अगर डायरेक्टली आप जाओगे तो वहाँ पे सुधारना इम्पॉसिबल है। तो भैया टेस्ट सीरीज तो आपको देनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी है, यही आपका स्कोर बूस्टअप करेगा, यही आपको BHU JNE और DU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ले जाएगा। तो आपको ये तो देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, ये मस्ट है। हर एक जो जितने भी हमारे टॉपर्स का पॉडकास्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर जा करके देख लो, उन्होंने भी बताया कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अब बात आती है कि भैया टेस्ट सीरीज दे कहाँ से। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, MCA ज्ञान आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा है, ये भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, फिर आपका मॉक टेस्ट है, फिर जो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स है सारे का नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, आप जाकर के पढ़ सकते हो वहाँ पे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्विजेज हैं, इतने सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट पे मिल रहा है, www.mcagyan.in पे जाओ, इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है mcagyan.in। आप यहाँ पे जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे जो जो बाय करते हैं वहाँ पे पॉपअप आते रहता है, इनरोल जो जो बच्चे इनरोल्ड किए हैं वो बता रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही बाय करोगे
सबसे पहले मैं कंटेंट दिखा देता हूँ आपका। आपको देखिए मॉक टेस्ट है, अब यहाँ पे मॉक टेस्ट कंटिन्यूस डाले जा रहे हैं। एक महीने में आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। अभी 2 या 3 मॉक टेस्ट और एक लाइव टेस्ट डली हुई है, जा कर के आप दो उसे उसको रिवाइज करो, उसको एनालिसिस करो। उसका जो है सॉल्यूशंस भी है बहुत सारे क्वेश्चन का, बहुत सारे का नहीं है, जो मैं रेगुलरली डालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। फिर देखिए कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है, आपका सेट रिलेशन है, कोऑर्डिनेट है, फिर आपका कंप्यूटर में हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है। फिर नीचे आते तो प्रैक्टिस टेस्ट है, तो देखिए प्रैक्टिस टेस्ट CUET PG का जो पिछले साल है, क्वेश्चंस पेपर है यहाँ पे अवेलेबल। फिर आप स्टडी मटेरियल में आ जाओ तो स्टडी मटेरियल में पूरे असाइनमेंट्स होंगे, फिर आपके नोट्स वगैरह सारे होंगे यहाँ पे। फिर देखो मैथमेटिक्स के नोट्स हैं, फिर यहाँ पे देखो सारे चैप्टर्स का आपको मिल जाएगा यहाँ पे नोट्स वगैरह जो भी है, और जो जो चैप्टर्स का बाकी है वो मैं अभी और प्रोवाइड कर दूंगा। फिर कंप्यूटर का नोट्स और क्विजेज है, देखो यहाँ पे पूरा नोट्स अवेलेबल है, तो आप जाकर के देख सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट पे मिल रही है, वो भी अभी बहुत ही बड़ी डिस्काउंट्स पे चल रही है सारी चीज़ें, तो जाकर के आप देखो। एक वन डे पहले अंकित जो है ये इनरोल कर चुके हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं कंटिन्यूसली, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप उनको जरूर बेनिफिट्स तो मिल ही रहा होगा, और अभी इसमें बहुत कम कंटेंट है, अभी बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आने वाले हैं, तो आप बेनिफिट्स उठाओ। जैसे ही ज़्यादा एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा इसकी प्राइसेस और हाई होने वाली है, तो अभी जा करके आप बेनिफिट्स उठा सकते हो। यहाँ पे 499 है, इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्रोमो कोड जब अप्लाई करोगे तो डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, और डिस्काउंट प्राइस में आप जा करके इसे खरीद सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, अब बस अब टेस्ट सीरीज दो और एक महीने बाद जा करके एग्जामिनेशन दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।